जीवन में कितना भी कुछ प्राप्त हो जाए पर कोई ना कोई कमी तो फिर भी बनी ही रहती है। क्या आप लोग पूर्ण हैं? आप लोगों के पास सब कुछ है? बोलो हाँ या ना। आप लोगों के पास सब कुछ है? बोलो मेरी माँ है। सब कुछ है लेकिन इच्छा का पेट भरता ही नहीं है। है तो सब कुछ, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, खाने को रोटी, पहनने को कपड़े, रहने को घर, क्यों रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है लेकिन अभी पेट खाली किसका है? बोलो मेरी माँ, इच्छाओं का। और जो कभी भरेगा ही नहीं, आप इच्छाओं की पूर्ति करने निकले हैं। इच्छाओं की पूर्ति करना मतलब समुद्र के पानी को मीठा करना। क्या समुद्र का पूरा पानी मीठा आप कर सकते हैं? जैसे आप समुद्र के खारे पानी को मीठा नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप अपनी इच्छाओं को कभी खत्म नहीं कर सकते। जैसे पानी, समुद्र के पानी का खारापन कभी आप मिटा नहीं सकते, आपकी इच्छाओं का ये खारापन कभी मिटेगा नहीं। कभी नहीं मिटती इच्छाएं, किसी की मिटी हो तो बता दो। बोलो मेरी मां, किसी की ना मिटी तुम्हारी कैसे मिटेंगी? इसलिए इच्छाएं पूरी करने में मत लगो, ये पूरी होंगी ही नहीं। हाँ या ना, होंगी पूरी? आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था और उनके अंदर एक पुत्र की इच्छा थी। अब कैसे समझाएं कोई कि जो नहीं है वो नहीं ही मिलता, जो नहीं मिलता उसको ना मिलने में ईश्वर की कृपा मानना चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें हमें भगवान नहीं देते, आपको लगता है भगवान ने उन्हें तो दिया है, हमें क्यों नहीं दिया? हमने कोई पाप किया है क्या? ना, तुमने कोई पाप नहीं किया, भगवान तुम्हारा भला चाहते हैं इसलिए तुम्हें नहीं देते। छोटा सा बच्चा मां से मोबाइल मांगता है, हमें मोबाइल दो चलाना, मां नहीं देती, तो बच्चे को क्या लगता है? मां हमारे साथ बड़ा गलत करती है, मोबाइल हमारे को नहीं देती। लेकिन मां नहीं देती इसमें उसकी भलाई है कि नहीं? बोलो हां, जोर से। माँ के मोबाइल ना देने में बच्चे की भलाई है। ऐसे जो तुम मांगते हो और भगवान नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि ना देने में ही भलाई है तुम्हारी, पर तुम्हें लगता भगवान ने तो दिया नहीं, उन्हें तो दिया ना। उनकी माँ लापरवाह है, तुमने दे दी अपने बेटे को मोबाइल, तुम्हारी माँ समझदार है। क्यों जी? लापरवाह माँ ही अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ाती, समझदार मां नहीं पकड़ाती। इसलिए भगवान जो नहीं देते उसमें भी भगवान की हम पर बहुत बड़ी क्या है? कृपा है। इसलिए जो भगवान नहीं दे रहे हैं उसमें भी प्रसन्न रहो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम, जाहि विधि रखे राम, हर हाल में प्रसन्न रहिए। और सीताराम 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 बस कहिए। बेटी मिल गई तो खुश रहो, बेटा मिल गया तो खुश रहो, नहीं मिला कुछ तो भी भगवान की कृपा है। अच्छा, यहां पर एक बात हम जरूर आपसे निवेदन करेंगे, किसी स्त्री को बेटा ना हो तो वो तो अपने आप को जैसे तैसे समझा लेती है, लेकिन ये दुनिया के लोग ना, देवरानी जेठानी पड़ोसी पड़ोसन रिश्तेदार, ये लोग जीने नहीं देते। हाँ या ना? एक स्त्री को परेशान करती है, आपको पता है? आज इतिहास उठाकर देख लेना, अपने घर का इतिहास उठा लो, तुम्हारी सास
यदि परेशान है तो घर के पुरुषों से कम, घर की स्त्रियों से ज्यादा। बहू परेशान है तो अपने पति से कम, अपनी सास से ज्यादा, जेठानी से ज्यादा, देवरानी से ज्यादा, ननंद से ज्यादा। स्त्रियां पुरुषों से कम परेशान होती हैं, स्त्रियां स्त्रियों से ज्यादा परेशान होती हैं। हाँ या ना मैया? हाँ, आपको तो ननंद परेशान नहीं करती? और उन स्त्रियों को सबसे ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, जो स्त्रियां मां नहीं बन पाती किसी कारणवश। भले तुम्हारे बेटे की ही गलती हो, डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पति में कमी है, कमी पति में है, पर ताने सुनना पड़ेंगे स्त्री को। सास ताने, अरे जब बहू जब से आई है घर में बेटा ही नहीं आया, जबकि खुद की औलाद में कमी है। और कमी किसी में हो, भगवान ना करे किसी में हो, पर हो तो ये चीजें हमारे तुम्हारे हाथ की नहीं है। किसी को ताने मारना, किसी को जलील करना, किसी को अपमानित करना, अरे तुम्हारा तो मुंह देखना अच्छा नहीं है। कई लोग तो क्या क्या ना बोलते हैं साहब, सब गलत बोलते हैं। अच्छा बताइए, जिस स्त्री को बेटा नहीं होता वह स्त्री अच्छी होती है कि बुरी होती है? बोलो तो, समाज उसे बुरा क्यों कहता है, अभागिन क्यों कहता? तू अभागिन है। यदि बेटा ना होने से कोई अभागिन है तो फिर मीराबाई को भी बेटा नहीं था। मीराबाई के कोई बेटा था तो नाम बता दो, कोई पुत्र नहीं था। मेरी मां सोच ही छोटी है तुम्हारी, हम क्या करें। जिसको बेटा नहीं होता एक्चुअली वह अभागिन नहीं है, अभागिन वह है जिसके दो चार छह बेटा हैं, दस बेटा हैं, सब कुछ है, फिर भी तुम्हारा मन भगवान में ना लगकर संसार में उलझा है। ये लोग अभागी हैं जो भगवान का चिंतन छोड़कर संसार में मन लगाए हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज विषय हो ही अनुरागी, रामचरितमानस में लिखा। जिसका मन भगवान में लगा है वह भाग्यशाली है। बेटे से भाग्य और अभाग्य को नहीं देखा जाता, तुम्हारे देखने का नजरिया ही, ढंग ही गलत है। मीराबाई जैसा भाग्यशाली कौन होगा, बेटा नहीं था। विवेकानंद जी जैसा भाग्यशाली कौन होगा, बेटा नहीं था। था तो नाम बताओ, कैसी कितनी हमारे देश में वीरांगनाएं हुई हैं, भक्त हुई हैं या भक्त हुए हैं, कोई संतान नहीं थी। तुलसीदास जी की संतान थी तो नाम बता दो आप लोग, तुलसीदास जी का कोई बेटा था? सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी कुछ महापुरुषों के बेटे थे, पर सूरदास जी, तुलसीदास जी, इन लोगों के तो पुत्र नहीं थे। थे फिर तो बेटा ना होने से कोई अभागी कैसा हो गया, कैसे हो सकता है? इसलिए जिसको बेटा नहीं है ताने ना मारो साहब। अपनी वाणी से किसी को खुश कर सकते हो तो खुश करना, किसी को दुखी करना आपकी वाणी से आपका धर्म नहीं है। यदि आपने अपनी वाणी से किसी को अपमानित किया, जलील किया, अपमान किया, तो आज उसके जीवन में दुख है, कल तुम्हारे जीवन में भी वो दुख आ सकता है। इसलिए अपमान ना किया जाए। और बेटा पाना क्यों है? अच्छा बताओ, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी बेटा नहीं होगा कुल का नाम कैसे रोशन होगा, कुल का नाम, कुल का नाम। बेटा क्यों पैदा करते हैं लोग बताओ, कुल बढ़ाने के लिए? एक सज्जन बोले महाराज जी हम मर जाएंगे, आग कौन लगाएगा? हमने कहा मर तो सही, आजकल मशीनें आ गई हैं, आग वाग लगाने की झंझट नहीं है, एक तरफ से डालो तुरंत राख निकलती है। क्यों जी, आजकल तो मशीनें आ गई है, बेटे बेटे की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ या ना?
वो लग गए जमाने आग वाग लगाने के, और आजकल तो घर घर लोग बैठे आग लगाने, बताओ किससे लगवा दें आग। आज तो लोग चिंगारी लिए ही बैठे, आज बाग थोड़ी लगाए जा रहे हैं, आज तो आग ही लगाने बैठे हैं लोग। और तुम कह रहे हो बेटा इसलिए पैदा करेंगे आग लगाने के लिए। अब बताओ, बेटा इसलिए पैदा करता है आग लगाने, अरे पगले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जलाने, जिनका कोई नहीं है वो भी सब मर मरू जाते हैं, है ना, तुम चक्कर में ना पड़ो। बेटा क्यों, वही बेटा बेटा है, वही पुत्र पुत्र है, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो वंध्या भली काहे गवावे नूर। ऐसा बेटा हो या तो बेटा देश प्रेमी हो, या भगवान का प्रेमी दानवीर हो, समाज सेवी हो, ऐसा बेटा है तब तो बेटा माना जाएगा। एक नंबर का नालायक है तो वो बेटा कोई बेटा है? या तो समाज सेवी हो, राष्ट्र प्रेमी हो, देशभक्त हो, विवेकानंद हो, झांसी की रानी हो बेटी, और शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, तो लगे कि बेटा है। आजकल तो गीदड़ों से भर रहे हैं सब, कोई बेटा है? आपको बताओ, आपको आजकल के बेटे ऐसे हैं अपनी वृद्ध माओं को लेकर आ जाते हैं, महाराज जी आप रख लो, जिस बेटे से एक माँ सेवा ना की, एक माँ की सेवा ना की गई, ये बेटे कोई बेटे? ऐसे दसवीं पैदा कर लो तो किस काम को, खुद की मां की सेवा नहीं हो रही और कह रहे हम बेटे हैं? बेटे नहीं हो, बोझ हो धरती में। और आप लोगों को भी तसल्ली हो जाए, चलो जैसा भी है भले नालायक है, बेटा है बेटा। ऐसे गीदड़ों का क्या करोगे, खाने के लिए पैदा हुए हैं बस। अरे बेटा ऐसा हो, एक ही हो, पर एक ऐसा हो सब पे भारी हो, धर्मात्मा हो, दानवीर हो, समाज सेवक हो। अब सोचो लादेन जिस मां का बेटा रहा होगा, लादेन, ये लादेन कितनों को मारा, कितना बड़ा अत्याचारी था। हिटलर, ये भी किसी मां का बेटा होगा, लेकिन ऐसा बेटा पैदा करने वाली मां को स्वर्ग बैकुंठ कुछ मिला होगा? हजारों पीढ़ियां ऐसी औलादों के कारण नर्क चली गई होंगी कि तुमने समाज पर क्रूर शासन किया है, क्रूरता की है, बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा, स्त्रियों को मारा। पाप लगता है साहब।